बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 20। आज हम अपनी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 13 to 17 उनको डिस्कस करेंगे और 17 क्वेश्चन तक हमारी एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 18 में हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप अगर उन क्वेश्चंस को भी देखना चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक के पेज 74 पर मौजूद हैं, तो हम देखते हैं 13 to 17 और आज एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, वाया कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर क्यों बनता है, रीजन देख लेते हैं। व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जब दो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि शेयर्ड पेयर या जो बॉन्ड पेयर या जो बॉन्ड बन रहा होगा वो वाला जो पेयर होगा उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचने की जो एबिलिटी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर तो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यानी कि एक की ज्यादा एक की कम होगी, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन। तो जो शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर के लिए अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, अनइक्वल बिटवीन सच एटम्स, और उसके नतीजे में क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जाहिर है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे जो बॉन्ड पेयर है दूर जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसी को हम कहते हैं कि बॉन्ड में पोलैरिटी आ गया, बॉन्ड पोलर हो गया है। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ताल्लुक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। तो ये तुमने डेफिनेशन पढ़ी है, बड़े अच्छे से समझी थी। तो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो खूबी है जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है मॉलिक्यूल में। पोलैरिटी इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अब पोलैरिटी किस तरह आती है, पोलैरिटी आती ही इस वजह से है कि दो एटम्स के दरमियान जिनमें बॉन्ड बन रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, यानी कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एक की कम हो। दैट इज इफ वन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर मोर। तो वही बात है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा टेनिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चीज उसके करीब गई है। अदर एटम थस गेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे एटम पर क्या चार्ज आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चीज दूर गई है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मेकिंग मॉलिक्यूल अ पोलर मॉलिक्यूल, और उससे हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो यही वो रिलेशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से ही मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है। 15 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जी, द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है जी, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कितनी होती है, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो इन दोनों वैल्यूज को याद कर लो, एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। और इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि जो बर्फ है ना वो पानी से हल्की है, इसलिए जो बर्फ है वो पानी के ऊपर आ जाती है, तैरती है। बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, आप पानी का एक ग्लास लो और उसमें आइस क्यूब डालो, अब मुझे बताओ आइस क्यूब पानी के नीचे चले जाएंगे या वो जो बर्फ के टुकड़े होंगे पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, बिल्कुल वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। और वही रीजन पूछ रहा है, तो रीजन हम यही बता रहे हैं कि बर्फ हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है। आगे बढ़ते हैं, फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम टेक्निकल बात करें तो उसमें क्या चीज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये फ्लोट करती है, उससे किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे देखते हैं। कहते हैं व्हेन वाटर फ्रीज, जब पानी जमता है, यानी कि जब आप लिक्विड वाटर को पानी को बर्फ में तब्दील करते हो, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं अरेंज देमसेल्फ इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म, वो तरतीब में अपने आप को जो है ले आते हैं। जाहिर है कि जब लिक्विड की तरफ हम जाते हैं तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला घट जाता है, उनमें ज्यादा अच्छी अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन पानी का केस यूनिक है, जब आप उसको फ्रीज करते हो ना तो मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली अरेंज तो हो जाते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला पहले की निस्बत बढ़ जाता है, यानी कि लिक्विड की निस्बत जो है वो आइस के मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड वाटर में अगर देखें और आइस में देखें, तो आइस के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल है उनमें फासला बढ़ जाता है। अब फासला कम होने की बजाय बढ़ रहा है, दिस प्रोसेस एक्सपैंड आइस, इससे बर्फ जो है वो
फैलती है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए चूंकि वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। अब वॉल्यूम बढ़ा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, इसलिए जो बर्फ है वो पानी पर तैरती है। फिर 16 क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन कंपाउंड, और इसी तरह 17 क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। पेज नंबर 69 पर आप जाओगे तो ऊपर वाले पॉइंट्स आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के हैं, नीचे कोवलेंट कंपाउंड की हेडिंग के बाद जो पॉइंट है वो कोवलेंट कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। उनको हमने बड़ी डिटेल में देखा था वीडियो लेक्चर्स में, पहले वाले जो हमने जिसमें उनको कवर किया था। अगर आप वो दोबारा समझना चाहते हैं, आपने नहीं समझा हुआ, तो आप उन वीडियोस को जाके देख लो, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप इस चैप्टर का कोई सा भी पहला लेक्चर देखना चाहते हो तो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके कोई सा भी पहला लेक्चर इजीली देख सकोगे।